ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमने P13 प्रॉब्लम की थी। अब हम जो प्रॉब्लम कर रहे हैं वो है P14। पढ़ लें एक बार प्रॉब्लम को। स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है, एक्चुअल आवर पेड दे रखे हैं, एक्चुअल आवर वर्क दे रखा है, स्टैंडर्ड रेट दे रखा है। 25% ऑफ एक्चुअल आवर हैव बीन लॉस्ट एज आइडल टाइम। ओके, एक्चुअल आउटपुट दे रखा है, एक्चुअल वेजेस दे रखी है। हमसे बोला गया है आइडल टाइम वेरिएंस निकालिए। ठीक है, आइडल टाइम वेरिएंस हमको निकालना है। ठीक, थोड़ी सी इसमें मैथमेटिक्स है, कोई वो वेरिएंस के कॉन्सेप्ट नहीं है, तो देखेंगे कैसे होगी ये प्रॉब्लम। P14 ठीक है, चलिए जो डाटा दिया है जरा उसको यूज कर ले। पहले ये देखिए, हमको बोला गया है आइडल टाइम वेरिएंस निकालना है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, आइडल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, आइडल आवर और स्टैंडर्ड रेट दे रखा है ₹2 पर यूनिट। तो अब मुझे आइडल आवर निकालने हैं। ठीक है, एक्चुअल आवर वर्कड है हमारे पास 2000 घंटे, और हमको यह पता है कि जो आइडल आवर्स हैं वो है 25% ऑफ एक्चुअल आवर। देखिए लिखा है 25% ऑफ एक्चुअल आवर्स हैव बीन लॉस्ट एज आइडल टाइम, लिखा है, यानी कि आइडल आवर कितने होंगे, 2000 का 25% 500 घंटे। अब अगर आपके पास आइडल आवर है, स्टैंडर्ड रेट है, तो आइडल टाइम वेरिएंस नहीं निकल पाएगा। अब एक चीज आपको बता दें, आइडल टाइम कंपनी के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? एग्जैक्टली, ये कंपनी के लिए लॉस है, और जब ये कंपनी के लिए लॉस है तो आइडल टाइम वेरिएंस आप कभी भी निकालें, साइन इसका कोई भी नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट निकलता है, और ये हमेशा कंपनी के लिए लॉस है, तो कंपनी के लिए लॉस होगा, तो ये एडवर्स वेरिएंस होगा। ठीक है, चलिए, तो ये बड़ा सिंपल था, डाटा आपको बहुत सारा दे रखा है, हमें उस डाटा का कोई जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है उतना हमने उस डाटा से अपनी इंफॉर्मेशन ले ली। P15 प्रॉब्लम देखेंगे। P15 प्रॉब्लम में देखें, कैलकुलेट द लेबर वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन इंफॉर्मेशन। एक्स और वाई दो ग्रेड की लेबर दे रखी है, 90 लेबर एक्स की लगी है और 60 लेबर वाई की लगी है। एक्चुअल दे रखा है, बजटेड आवर दे रखे हैं, एक्चुअल आवर दे रखे हैं, बजटेड प्रोडक्शन दे रखा है, एक्चुअल प्रोडक्शन दे रखा है। ठीक है, सब कुछ दे रखा है, ये थोड़े से वर्किंग नोट बनाएंगे पहले हम, उसके बाद इस सम को करेंगे। अब हम जो सम कर रहे हैं वो कर रहे हैं P15। ये जो पहले सम किया था हमने P13, उसी से मिलता जुलता है। ग्रेड एक्स और ग्रेड वाई दो तरीके की लेबर है, इसमें 90 लेबर है, इसमें 60 लेबर है। ठीक है ना, और इसमें कितनी है जरा मैं, एक्चुअल में आएंगे हम, तो
एक्चुअल में एक्स और वाई की जो है 80 लेबर है एंड 70 लेबर है, ये हो गई नंबर्स, ठीक है। आवर्स की बात करेंगे, ये नंबर्स हो गए। अगर हम आवर्स की बात करेंगे तो इनके आवर्स हैं 1-1000 घंटे, और इनके आवर्स हैं, एक्चुअल आवर जो है वो 900 घंटे, ठीक है ना। तो यानी कि एक्चुअल में इन्होंने 72,000 घंटे काम किया है और इन्होंने 63,000 घंटे, और स्टैंडर्ड में इन्होंने कितने घंटे काम किया है, 90,000 घंटे, 60,000 घंटे, ये हो गया मेरा 150,000 घंटे, और ये हो गया मेरा 135,000 घंटे। अब हम आउटपुट की बात करें, आउटपुट में इन्होंने 20% लॉस की, यानी कि इन्होंने 4,000 यूनिट तैयार करी। देखो लिखा है क्वेश्चन में, 5,000 का प्रोडक्शन था, स्टैंडर्ड लॉस थी 20% की, एक्चुअल लॉस है 900, ऐसे ही लिखा है। और एक्चुअल आउटपुट की अगर हम बात करें तो कितना होगा, 5,000 माइनस 900, तो ये हो जाएगी 4,100 यूनिट। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि जो 90,000 घंटे हैं वो कितने यूनिट के लिए है, 4,000 यूनिट के लिए, और मुझे कितने के लिए निकालने हैं, 4,100 यूनिट के लिए। क्यों, हमारा कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो स्टैंडर्ड आवर का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्स और वाई दो ग्रेड है, 90,000 घंटों में ये 4,000 यूनिट बनाते हैं, तो 4,100 यूनिट के लिए कितने घंटे चाहिए, 60,000 घंटों में ये 4,000 यूनिट बनाते हैं, तो 4,100 यूनिट के लिए कितने घंटे चाहिए। कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 92,250 आवर्स, और ये आ जाएगा 61,500 आवर्स। अब बताइए सर क्या क्या दिया है आपको, स्टैंडर्ड आवर दे दिए है, रेट दे रखा है, रेट मिल गया, एक्चुअल आवर एक्चुअल रेट, अब सब मिल निकल आएगा, ठीक है। चलिए तो हम अब ऊपर के जो डाटा है इनसे हमारा जो स्टैंडर्ड हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वो कर लेंगे, और उसके बाद इस कैलकुलेशन को हम लोग अपने फॉर्मूले में यूज कर लेंगे। स्टैंडर्ड आवर आ गए मेरे 92,250, 61,500, एक्चुअल आवर कितने थे, 72,000, 63,000। अभी मुझे रेट देखना है, रेट देखेंगे 2 और 3 रुपए है स्टैंडर्ड, और 2.5 और 2 रुपए है एक्चुअल। ये 2 और 3 है, और ये 2.5 और 2 है। एक सौ चौरासी पाँच सौ टोटल आया 369,000। इसका जो टोटल है, एक मिनट, इसका जो टोटल है
वो है 153750। तो SCSM आएगा हमारा 369000 अपॉन 153750 2.40। इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 1,80,000। इसका टोटल है 1,26,000। टोटल हो जाएगा 3,06,000। अब इसका टोटल है 1,44,000 और इसका टोटल है 1,89,000। टोटल आ जाएगा 3,33,000। ये टोटल है 1,35,000। तो यहां से मेरा निकलेगा SCAM 3,33,000 अपॉन 1,35,000 2.47। ठीक है जी। इस डाटा को यूज करके अब हम अपनी सारे वेरिएंसेस निकालेंगे। लेबर कॉस्ट वेरिएंस 3,69,000 माइनस 3,06,000 63,000 फेवरेबल। लेबर रेट वेरिएंस 3,33,000 माइनस 3,06,000 27,000 फेवरेबल। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 3,69,000 माइनस 3,33,000 36,000 फेवरेबल। लेबर मिक्स वेरिएंस तो SCSM माइनस SCAM, SCSM माइनस SCAM इंटू एक्चुअल आवर, ये आएगा आपका 9,000 फेवरेबल। लेबर रिवाइज एफिशिएंसी वेरिएंस तो स्टैंडर्ड आवर कितने आए थे आपके? माइनस एक्चुअल आवर इंटू SCSM 18750 इंटू 2.40। ये 9,000 एडवर्स था, ये आ जाएगा हमारा 45,000 फेवरेबल। चलिए, इस क्वेश्चन में हमको क्वांटिटी के प्रोडक्शंस दे रखे हैं, जब आउटपुट देख रखा है तो मैं यील्ड वेरिएंस आपको दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूं। आउटपुट मेथड से क्या बताया था, स्टैंडर्ड यील्ड माइनस एक्चुअल यील्ड इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। चलिए पहले हम स्टैंडर्ड कॉस्ट ही ले लेते हैं। हमारी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ रही है वो आ रही 1,53,750। कितना माल तैयार कर रहे हैं हम इसमें? 4,100। ठीक है ना, 4,100 तैयार कर रहे हैं। तो ये आएगी आपकी 1 मिनट कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 153750।
ओके सॉरी, गलती हमसे हो रही थी। हम ये आवर ले रहे थे, आवर नहीं रहेंगे, हम यहाँ पर कॉस्ट लेंगे। कॉस्ट थी मेरी 3,69,000 और क्वांटिटी थी 4,100। मैंने आवर ले लिए थे। एक मिनट में आ जाएगा आप। ये आएगी मेरी 90 रुपए पर यूनिट। ये 4,100 क्या है आपका एक्चुअल आउटपुट ही तो है। एक्चुअल यील्ड है आपकी 4,100। अब मुझे स्टैंडर्ड यील्ड निकालनी है, यानी कि स्टैंडर्ड आउटपुट इन एक्चुअल टाइम। तो देखिए आप, या तो आप ऐसे निकाल लें कि आपके 1,53,750 आवर्स हैं, ठीक है ना? नहीं, आपको आउटपुट निकालना है ना, तो आउटपुट ऊपर लिखेंगे। 4,100 यूनिट तैयार करने के लिए आपको इतने घंटे चाहिए, तो एक्चुअल आवर में आपके कितने प्रोडक्शन होगा? जब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी 3,600 यूनिट आ जाएंगे। सो लेबर यील्ड वेरिएंस इजिकल टू क्या होगा? स्टैंडर्ड यील्ड माइनस एक्चुअल यील्ड इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट। 3,600 माइनस 4,100 इनटू 90। बताया था मैंने आपको कि जब मतलब 1,35,000 घंटे में आप 3,600 यूनिट तैयार कर सकते थे, जो रूल कहता है स्टैंडर्ड जो फिक्स करे। एक्चुअली आपने 4,100 यूनिट तैयार की, ज्यादा किए। जब ज्यादा यूनिट तैयार करोगे तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी, कंपनी को प्रॉफिट होगा, और कंपनी को प्रॉफिट हुआ इसका मतलब फेवरेबल वेरिएंस। तो इसमें हमें प्रोडक्शन दे रखी थी, तो इसलिए हमने इसके आपको वेरिएंस कैलकुलेट करके बता दिया। थैंक यू।